जबलपुर के प्रसिद्ध होटल में कार्यरत महिला कर्मचारी की चोरी के शक में ओमती थाने की महिला पुलिस कर्मी ने पूछताछ के नाम पर की बरबंटा से मारपीट। मैं अभी नहीं कर, जब मैं कल जाऊंगी ना प्रीति, बना ली वीडियो फिर डालना। अभी नहीं डालना, उतार पूरा खींच अस्पताल ले चलो। नहीं होते फिर रुक जाओ, ये बीमारी नहीं चाहता। सब मारी पट्ट करके देख, नहीं रहा पलटा इसको बाहर कर। अरे बाप ना, लड़की को बाहर कर। चिनार लोग जेंट्स मारी है, लेडीज नहीं मारी। इस वक्त आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर, खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से आ रही है। बताया जा रहा है कि जबलपुर के एक प्रसिद्ध होटल में कार्यरत महिला कर्मचारी की चोरी के शक में ओमती थाने की महिला पुलिसकर्मी ने पूछताछ के नाम पर बर्बरता से मारपीट की है, जिससे महिला की हालत खराब हो गई है, जिसके बाद उसे शासकीय विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पिटाई मामले में पुलिस ने भी बड़ी कार्यवाही करते हुए दोषी महिला एसआई सहित एक अन्य महिला पुलिसकर्मी को लाइन अटैच कर उनके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू कर दी है। ये संगड़िया होटल में एक बर्थडे पार्टी चल रही थी, जिसमें एक व्यक्ति का जो है ब्रेसलेट गिर गया था। जब सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो उसमें एक महिला सफाई कर्मी के द्वारा वो ब्रेसलेट उठाते हुए दिखे थे। इसमें जो सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर थी ओमती थाने में, उनके द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था उस महिला को। महिला के द्वारा शिकायत की गई है कि इसमें जो सब इंस्पेक्टर हैं और आरक्षक, महिला आरक्षक थी थाने में, उनके द्वारा मारपीट की गई है महिला के साथ। चूँकि जो शिकायत प्राप्त हुई है वह गंभीर प्रकृति की है, तो इसमें जो महिला सब इंस्पेक्टर हैं और महिला आरक्षक हैं, उनको श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनकी एक सीएसपी स्तर के अधिकारी से जांच निश्चित समयावधि में कराने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी इसमें प्रूफ होता है उस हिसाब से कार्रवाई उनके विरुद्ध में की जाएगी। सीसीटीवी में तो वो क्लियरली दिख रही थी वो ब्रेसलेट ले जाते हुए। इसमें उनका कहना है कि वो ब्रेसलेट उन्होंने अपने एप्रन में रख दिया था, ये सोचते हुए कि हम इसको बाद में वापस कर देंगे। तो अभी तक जो है उन्होंने बताया नहीं कि वो ब्रेसलेट कहाँ है, उनके हिसाब से वो उनसे भी कहीं घूम गया है। दरअसल शीतलामाई में रहने वाली मंजू वंशकार शहर के एक बड़े होटल में साफ सफाई का काम करती है। 3-4 दिन पहले उसे होटल में एक ब्रेसलेट पड़ा मिला, जिसे उसने अपनी ऑफिस की यूनिफॉर्म के जेब में रख दिया। और हर बार की तरह इस बार भी दूसरे दिन मंजू ने अपने होटल के फैसिलिटी स्टाफ को बताया कि उसे ब्रेसलेट मिला था, पर जब उसने ब्रेसलेट बाकी स्टाफ के साथ जेब में टटोला तो वह गायब था। इस घटना के 2 दिन बाद होटल में थाना ओमती पुलिस आई और महिला सहित कुल 4 लोगों को अपने साथ थाने ले गई, जहां ओमती थाने की महिला कर्मी ने उसे तलाशी के नाम पर निर्वस्त्र किया और फिर बेरहमी से मंजू की पिटाई कर दी। जिस होटल में मंजू को ब्रेसलेट मिला था उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस बात को मंजू ने स्वीकारा भी। बावजूद इस तरह की पुलिस पिटाई से जबलपुर शहर की पुलिस अपने आप को भी शर्मिंदा महसूस कर रही है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट जबलपुर। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।